स्टूडेंट स्टूडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे सीटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होती है, इसलिए प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो वाया व्हाट्सएप, ठीक है? तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद बहुत ज्यादा आपके कॉलेजेस के ऊपर वीडियोज आने वाले, जैसे आपका रिजल्ट लगेगा वैसे आपके कॉलेजेस के ऊपर वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? आई होप आपने इस वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में जो सीटी सेल ने दिया है, ठीक है? हर साल सीटी सेल ऐसे कुछ नोटिसेस भेजता है ताकि बच्चे का लॉस ना हो सके, ठीक है? इसमें सीटी सेल ने 5 वार्निंग दी है। अगर इन आप 5 वार्निंग को अच्छे से समझते हो तो ही आपका एक एडमिशन हो सकता है, वरना आप मतलब ड्रॉप लेना आपको पड़ सकता है। क्लियर बात है, सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है? पहली मिस्टेक के ऊपर बात करते हैं। पहली मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक इन एनी डॉक्यूमेंट देन योर एडमिशन विल बी कैंसल। अगर एक भी डॉक्यूमेंट में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका सपोज नाम यश नाम है आपका, ठीक है? YASH अगर स्पेलिंग है तो आपका YSH भी हो गया, A मिस हो गया, तो आपको ड्रॉप लग सकता है। सीधा मैं बोल रहा हूं, एक भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है? चाहे आपके मिडल नेम में हो, चाहे आपके सर नेम में हो, चाहे आपके स्टार्टिंग नेम में हो, ठीक है? तो अभी आपको सारे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह आपकी है ना, वो अभी जाके करेक्ट कर लो। एक भी मिस्टेक रही एडमिशन नहीं होगा बेटा, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने झेला था, तो मैं नहीं चाहता कि आपका कहीं नुकसान हो, पहली चीज, ठीक है? सेकंड चीज के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले एक चीज देखो, बेस्ट कॉलेज लिस्ट जब बनाओगे तभी आप बेस्ट कॉलेज में जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और बेस्ट कॉलेज लिस्ट किससे बनवाओगे? एक बेस्ट काउंसलर से, ठीक है? जो हर वक्त आपके साथ रहे, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक वो काउंसलर आपके साथ रहना चाहिए। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग की लिंक दी है, वहां से आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। हर वक्त काउंसलर आपके साथ रहेगा, एक बेस्ट इफिशियंट कॉलेज लिस्ट बना के देगा। बेस्ट कॉलेज लिस्ट कैसे बनेगी? आपके परसेंटाइल वो पूछेंगे, कैटेगरी पूछेंगे, रैंक पूछेंगे, सिटी, कौन सी सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, कौन सी ब्रांच में चाहिए, आपकी कौन सी कैटेगरी है, इन सारे डेटा को एनालिसिस करने के बाद एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट वो बना के देंगे। हर एक कॉलेज में चेक करेंगे आपका लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कहाँ पे नंबर लग रहा है, तो उसकी कॉलेज लिस्ट बनेगी और वो कॉलेज लिस्ट आपको दी जाएगी। वही कॉलेज लिस्ट आपको कैप राउंड में सबमिट करनी है। मैं गारंटी देता हूं आपके अगर कम मार्क्स भी आए तो आपको उस मार्क्स के हिसाब से बहुत बेस्ट कॉलेज मिलेगा, ठीक है? सेपरेट काउंसलर, हर एक स्टूडेंट के लिए सेपरेट काउंसलर असाइंड है, ठीक है? जैसे ही रजिस्टर करोगे आपको भी काउंसलर असाइन हो जाएगा, ठीक है? तो जिंदगी का सवाल है बेटा, ठीक है? अच्छे से कॉलेज लिस्ट बनाना। लास्ट ईयर में बोल रहा हूं आपको, ऐसे कुछ बच्चे थे जिनके बहुत कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे। क्यों? एक ही चीज अच्छे से की, कॉलेज लिस्ट, ठीक है? और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइल थे फिर भी एक घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे। क्यों? कॉलेज लिस्ट बनाने में गलती कर दी और खुद से बनाने गए। खुद को 450 कॉलेजेस की आइडिया है? नहीं है ना। तो जिनको है उनसे बनवा लो, ठीक है? आपको अगर कहीं और से बनवाना है कहीं और से बनवा लो। अगर घर में आपके बड़े भाई है उनसे बनवाना है उनसे बनवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो प्लीज, लेकिन किसी जानकार इंसान से बना लो, क्योंकि एक गलती हुई ना बेटा, एक डॉक्यूमेंटेशन में गलती, एक कॉलेज लिस्ट में गलती, पूरा करियर खत्म हो जाता है आपका, ठीक है? पूरे 4 साल खत्म हो जाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड डाउट है काउंसलर को पूछो, कॉलेज से रिलेटेड डाउट है काउंसलर से पूछो। ऑप्शन फॉर्म, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, हर एक वक्त काउंसलर को आपको पूछना है, सर मुझे बताओ कैसे क्या होता है, वो आपको बताने के लिए रेडी है। स्पेशल सेशंस होंगे, लाइव सेशंस ऐप पे होंगे। क्लियर बात है? कुछ भी दिक्कत है आपको काउंसलिंग के संबंधित तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है? टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। सेकंड मिस्टेक, रिसिप्ट अवेलेबल है सर बट डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है? ये कब? लास्ट में, ठीक है? अभी एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, कैप राउंड के टाइम पे आपको रिसिप्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाओगे इंजीनियरिंग कॉलेज में और अगर आपके पास रिसिप्ट है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका एडमिशन वहां पे कैंसिल हो जाएगा। याद रखना, आपको सर्टेन टाइम दिया जाता है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन अगर कुछ कारण डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं होता तो आपका एडमिशन वहां पे कैंसिल हो सकता है, ठीक है? तो ये भी एक नोटिस दे दी सीटी सेल ने। थर्ड इंपॉर्टेंट नोटिस जो वार्निंग दी है सीटी सेल ने, जो है बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूजन में होंगे। मेरे 119 मार्क्स आ रहे, मैं कैटेगरी से हूं, तो मेरा ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर होगा क्या?
कुछ जो ओपन वाले हैं वो बोल रहे हैं कि मेरे 135 पे ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर होता है लेकिन मेरे 134 आ रहे हैं। देखो लास्ट ईयर 119 और 134 पे भी एक्सेप्ट किया था लेकिन इस साल अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो इसीलिए आपको इंप्रूवमेंट के लिए रेडी रहना है। क्लियर बात है। नेक्स्ट, डोमिसाइल नहीं है, महाराष्ट्र कैंडिडेट कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है, आपको ओएमएस स्टूडेंट कंसिडर कर दिया जाएगा। डोमिसाइल आज ही जाके निकालो, ठीक है। डोमिसाइल कैसे निकालते हैं, काउंसलिंग वाले बच्चों को ऑलरेडी मैंने सेशन डाल दिया ऐप पे, वहां पे चेक कर सकते हो सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन की सेशन डाल दिए। तो जिनको नहीं पता प्लीज आप चाहे आप एजेंट पकड़ लो या फिर तहसील कार्यालय में जाओ, कहीं से भी जाओ, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को जरूर निकाल लेना डोमिसाइल, नहीं तो आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट कंसिडर हो जाओगे। फिफ्थ मिस्टेक, बहुत सारे बच्चे कॉलेज लिस्ट ही नहीं भरते। अगर कॉलेज लिस्ट नहीं भरी तो आपका एक भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, चाहे आपके 98% अलाउ दे दो। तो कॉलेज लिस्ट कब भरनी है, कैसे भरनी है, वो सब चीजें काउंसलर आपको बताएंगे। लेकिन ये मिस्टेक मत कर देना कि कॉलेज लिस्ट ही मत बनाओ, चाहे खुद बना दो यार, अभी आपको नहीं काउंसलर से बनवानी तो खुद बना दो, लेकिन विदाउट कॉलेज लिस्ट आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है ऑप्शन फॉर्म। क्लियर बात है। नहीं तो एक भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, एक भी नहीं, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 वार्निंग सीटी सेल ने दे दी आपको, अभी आपको इस वार्निंग को किस प्रकार से लेना है वो आप पे छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। आपको लाइटली लेना है लाइट ले लो, सीरियसली लेना है तो सीरियस ले लो, ठीक है। मैं चाहता हूं आप सीरियस ले लो, लेकिन बच्चे नहीं लेते। अभी मैं कल डाउट्स ले रहा था कॉल पे, एक बच्चा एससी कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी का, मैं उसको 2 महीना पहले भी उसने मुझे कॉल किया था, मैंने तभी बोला था उसको बेटा डॉक्यूमेंट निकाल लो, डॉक्यूमेंट नहीं निकाला उसने, ठीक है, आलसी पना कर लिया, अब पछता रहा है, ठीक है, अब बोल रहा है भैया मेरी वैलिडिटी आने को 3 महीना लगने वाले। तो अभी मैंने उसको बताया, मैंने अगर तुझे 2 महीना पहले बोला था तब जाके तूने अपनी कैटेगरी का फायदा नहीं उठाया तो तू अब क्यों कॉल कर रहा है ना। अगर आपको किसी चीज की सहूलत दी जा रही है, अगर गवर्नमेंट ने आपको कैटेगरी और गवर्नमेंट ने आपको एससी एसटी ओबीसी एनटी में कुछ ना कुछ कंसेशन दिया है मार्क्स में, तो आप उस चीज का फायदा उठाओ, आप उस चीज को लाइटली मत लो बेटा, सीरियसली लेना है, ठीक है। और लास्ट चांस है, बेस्ट काउंसलर से बेस्ट कॉलेज लिस्ट बना लो, मैं गारंटी देता हूँ बेस्ट कॉलेज में जाओगे, ठीक है। अभी भी चांस है, आप थोड़ी सी चीजों के लिए अपने फ्यूचर को दांव पे मत लगाना, ठीक है। खुद के नॉलेज के हिसाब से आप कुछ भी मत भर देना प्लीज, ठीक है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं यही काउंसलिंग लगाओ, कहीं से भी लगा लो, आपको बाहर कहीं पे अच्छे लग रही कोई बेच रहा है आपको वहां पे लगा लो, फीस इससे कम होनी चाहिए, लेकिन तभी दूसरी जगह जाना है आपको। क्लियर बात है, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका कॉलेजेस के ऊपर, प्लेसमेंट वगैरह हर एक कॉलेज के बताने वालों, तब तक के लिए सी या बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आई होप आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, कर लिया, ठीक है, बाय।